प्यारे दर्शकों और हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि प्रोग्राम में दिखाए गए सारे स्टंट्स आप दोहराने की कोशिश ना करें। प्रोग्राम में दिखाए गए सारे स्टंट्स जानकार लोगों की देखरेख में किए गए हैं, इसलिए हमारी विनती है कि आप ये स्टंट्स दोहराने की कोशिश ना करें, आपकी जान के लिए ये खतरा हो सकता है। अबे पागल हो गए क्या? अरे दिखाई नहीं देता, कब से साइड मांग रहा हूं। आगे हलदार मिलता है तो बता दो तेरे को। अबे क्या ड्रामा ला रखा है? अजीब बात है, सबको चार चार गोलियां मारी गई। हाँ अभिजीत, एक बात देखी तुम? कुछ छेद बड़े हैं गोली के और कुछ छेद छोटे हैं। लगता है किसी ने दूर से भी गोली चलाई है और पास से भी गोली चलाई। अंधाधुन गोलियां चलाई हैं सर। हाँ, आप बैंक मैनेजर? यस सर। जरा मदद कीजिए हमारी, बताओ क्या हुआ? सर इतना पैसा था वैन में कि अगर मैं पूरी जिंदगी बैंक में काम करूंगा फिर भी मैं चुका नहीं पाऊंगा सर। तुम क्यों चुकाओगे? तुमने थोड़ी पैसे लूटे। मैंने इन लोगों को कहा था कि इसी रास्ते से ही वैन लेके जाओ। तुमने कहा था इस रास्ते से पैसे लेकर चलो, क्यों? तुम्हें पता है ना ये रास्ता सुनसान होता है, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत कम रहता है। जी सर, पर मुझे लगा कि अगर इसी रास्ते से जाएंगे तो जल्दी बैंक पहुंच जाएंगे, पर मेरी सोच गलत थी सर। अब मैं बैंक को क्या जवाब दूंगा सर? अच्छा, वो तुम्हारी बैंक की वैन कहाँ है जिसमें वो पैसे थे? सर वो वैन भी तो लेकर गया वो लोग। सर यहाँ आइए सर। सर ये देखिए, यहाँ पे सिंगल सिंगल निशान है सर टायर, ऐसा लगता है कि 3-4 bikes गई हैं यहाँ से। मतलब लुटेरे मोटरसाइकिल पे थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, उल्टे सीधे निशान बनाए हैं। तो सर ये पूरे निशान देखे, एक जगह भी कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे पता चले कि बाइक पिछली है। तो अभिजीत, लगता है मोटरसाइकिल वाले बड़े एक्सपर्ट मोटरसाइकिलिस्ट होंगे। आपका मतलब है प्रोफेशनल्स? हाँ, वो प्रोफेशनल मतलब जो फिल्मों में स्टंट नहीं किया करते मोटरसाइकिल पे। हाँ सर, फिल्मों में बड़े बड़े शीशों से शीशे तोड़ के बाइक वाले आ जाते हैं, ऐसा ही लगता है। ये बाइक्स के जो निशान बने हैं टायर्स के, वो यहाँ से शुरू होते हैं सर, बस यहाँ तक, यहाँ से उस तरफ से। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, 4 निशान है सर, 4। अभिजीत, ये मोटरसाइकिल के टायर के निशान यहाँ से शुरू होते, निशान पीछे है ही नहीं, शुरू यहाँ से होते। इसका मतलब है कि ये मोटरसाइकिल कोई हवा में से तो नहीं आए, किसी बड़ी गाड़ी में से ही आए हों। सर यहाँ पे आइए सर। क्या? ये देखिए सर, टायर के निशान किसी बड़ी गाड़ी के टायर के निशान लग रहे हैं।
फ्रेडी, एक काम करो, इस टायर के निशान के फोटोग्राफ लो और इन तीनों बॉडीज को सारुंके के पास भेज दो फॉरेंसिक लैब। यस सर। सर, यहाँ से थोड़ी दूर पीछे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पूछताछ करें तो शायद कुछ पता चले। बिल्कुल पता चलेगा, इस पेट्रोल पंप पे जाकर पूछताछ करते हैं। जरूर किसी ना किसी ने तो इन मोटरसाइकिल वालों को देखा होगा या फिर उस ट्रक को भी देखा होगा, कुछ तो पता चलेगा ही चलेगा। क्या पता चला? सर, हमने सारी गोलियां तो निकाली, मगर आपका शक बिल्कुल सही निकला कि ये सारी गोलियां एक ही गन से नहीं चली। मतलब गोलियां अलग अलग लोगों ने चलाई? सर, ये गोलियां अलग अलग गन से चली। कितनी गन्स थी? चार। चार गन्स? मतलब सर चार लुटेरे? लुटेरे तो चार थे, मगर उन्हें अच्छी तरह से गन चलाना नहीं आता था। मतलब मुझे लगता है कि ये प्रोफेशनल शूटर्स नहीं थे। कैसे पता चला आपको? मतलब जहां मूड किया गोली चला दी। अगर प्रोफेशनल शूटर्स होते तो सोच समझ के गोली चलाते ना। तुम्हारी बातों में दम है डॉक्टर धारिका। जब तक गोली चलाने वालों को यकीन नहीं हुआ कि ये तीनों लोग मरे नहीं, ये गोलियां चलाते रहे। हाँ विवेक, बाइक्स के बारे में क्या पता चला? हाँ सर, वैसी बाइक्स स्टंटमैन चलाते हैं, जो बाइक के स्टंट्स करते हैं। उनकी एक ट्रेनिंग स्कूल भी है सर, यही पास में। नाम क्या स्कूल का? बाइकर स्टंट स्कूल सर। और वो पेट्रोल पंप से कुछ पता चला? हाँ सर, पेट्रोल पंप पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सर, उसकी फुटेज मिली है। ग्रेट, चलो देखते हैं। यस सर। पूरी रिकॉर्डिंग में सर इस ट्रक के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। वो लुटेरे मोटरसाइकिल्स में आए थे और मोटरसाइकिल तो कहीं दिख नहीं रहा है। पहले मोटरसाइकिल पे जो स्टंट करते हैं ना, उन्हें ढूंढते हैं। बाइकर्स स्टंट स्कूल। मार खाएगा तू मेरे हाथ से एक दिन। जब हाथ पांव सूख जाएंगे ना, तब अक्कल आएगी तेरे को। कितनी बार समझाया शरीर में फूर्ति हो। उस्ताद जी वहां बैठे हैं। पैर कुर्बा के बैठा हूँ, देख नहीं रहा मेरी हालत? क्या पड़ा हुआ हूँ मैं? चंदा डाकिल टंकर। उस्ताद जी, कुछ लोग मिलना है आपसे। आप मास्टर हैं यहाँ के? हाँ, बोलिए कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी वालों को क्या जरूरत पड़ गई हमारी साहब? आप लोग तो पहले से ही सीखे हुए होते हो साहब, हर रोज अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई न कोई नया स्टंट तो करते ही रहते हो आप लोग। काम आ पड़ा है इसीलिए तो आपके पास आए हैं मास्टर जी। बोलिए, ये आपका ये जो स्कूल है ट्रेनिंग स्कूल, ये कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक चलता है, उसके बाद अपना टाइम हो जाता है साहब। किसका? शराब का? हाँ साहब, अभी पहले से अब आदत पड़ी हुई है। तो मास्टर जी, हम लोग यहाँ पे लूट के बारे में पूछताछ करने आए, समझे आप? लूट? हाँ लूट। किस लूट की बात कर रहे हैं आप? ये कानेरी रोड पे लूटपाट हुई है सुबह सुबह। एक बैंक की गाड़ी पैसे लेकर जा रही थी, उसे किसी ने लूट लिया। उस लूट से हमारे असिस्टेंट स्कूल में आकर पूछताछ करने का क्या मतलब है? मतलब है ये लूट किसी आम आदमी ने नहीं की है, बाइक स्टंट मैन ने की है। मोटरसाइकिल पे स्टंट करते हैं आपके स्टूडेंट के तरीके से। तो आप लोगों को लगता है कि हमारे लड़कों ने की है ये लूट? हो सकता है, आपके यहाँ तो बहुत सारे स्टंट मैन है बाइक सीख रहे। सर, आप तो मेरी हालत देख ही रहे हो, एक पैर टूटा हुआ है शायद। किसी तरह से ये स्कूल चला कर अपना पेट भर रहा हूँ, अपने परिवार का पेट चला रहा हूँ साहब, और आप हम पर इल्जाम लगा रहे हो? लूट मार तो हुई है मास्टर जी, और बाइक पे स्टंट करने वालों ने की, तो शक तो आपके स्कूल पे जाएगा। एक बात तो मैं पूरी तसल्ली से आपको कह देता हूँ, मेरे स्कूल के किसी लड़के ने ये काम नहीं किया होगा, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ साहब, क्योंकि पिछले 3 दिन से हमारे सारे लड़के मेरे साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, और सारे लड़के मेरे साथ थे। आप चाहे तो उस फिल्म वालों से भी पूछ सकते हैं। कोई और स्कूल है जहाँ पे ये स्टंट सिखाए जाते हैं? है ना साहब, एक लड़की है जो पहले मेरे ही स्टंट स्कूल में सीखती थी, उसका नाम पायल है, अब वो अपना ही स्कूल शुरू कर दिया। हो सकता है वहाँ के किसी स्टूडेंट ने ये गलत काम किया हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस लड़की के स्टूडेंट ने किया होगा? वो लड़की है ही ऐसी, कोई नेक काम तो वो सिखा नहीं सकती किसी को, बहुत चालाक समझती है अपने आप को वो। क्या नाम है उसके ट्रेनिंग सेंटर का? टॉप गियर स्टंट ट्रेनिंग स्कूल। टॉप गियर। हेलो, क्या कहाँ पे?
ठीक है वहीं पे रुकिए, हम लोग आते हैं। क्या हुआ था? कोटिला रोड पे एक और लूट मार हुई है, हमें वहां जाना पड़ेगा। किसने फोन किया था? सर मैंने। आप? सर मैं एनसी ग्रुप बैंक का मैनेजर हूँ। पहले जरा देख लें यहाँ क्या हुआ है, फिर आपसे बात करते हैं। सबके सब डेड है। फिर इन सबको तो एक ही तरह से मारा गया, जैसे वो वहां पे गार्ड्स मारे गए थे। सबको चार गोली मारी है सर। गोली भी वही लोग हैं, सब कुछ वैसे ही मारा है इन लोगों ने। सर कमाल की बात है कि ये लोग बैंक की गाड़ियां लूट रहे हैं। सर देखो आसपास कुछ और मिलता है क्या? हाँ सर। सचिन ये देखा तुमने? ये ट्रक के निशान के साथ साथ ये पतले निशान है, ये सब बाइक के निशान है। ऐसा लगता है तीन चार बाइक वाले थे। विवेक ये जो निशान देख रहा ना, थोड़े से फेडेड है, इन निशान की फोटो ले लो और फोटो लेने के बाद देखना कैमरे में आया कि नहीं, बहुत हल्के निशान है। क्या हुआ था यहाँ पे, आपको कोई मिला था क्या यहाँ? नहीं सर, किसी ने कुछ देखा ही नहीं। अच्छा तो फिर आप यहाँ कैसे आए? ये गाड़ी पैसे लेके रोज 11 बजे बैंक पे पहुँच जाती थी। आज जब 11:30 बजे तक नहीं पहुँची तो मैंने फोन किया, मगर किसी ने फोन ही नहीं उठाया। हमें शक हुआ, उसके बाद हम यहाँ आए और हम लोगों ने देखा कि ये सारे गार्ड्स मरे हुए थे। लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये लोग इस रास्ते पे हैं? यहीं पे क्यों आया, कहीं और भी तो जा सकते थे। ये वैन इसी रास्ते से हमेशा आती जाती थी सर। सर आप रेडी? ये देखो सर, खून के धब्बे लाशों से दूर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खून इन्हीं लाशों में से आया हो? ये खून अगर इन लाशों का है तो यहाँ पे कैसे? ये खून तो लाशों के आसपास ही होना चाहिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी गार्ड का खून यहाँ पे किया गया हो, फिर लाश को घसीट के वहां पे डाल दिया? यहाँ पे कोई घसीटने का निशान नहीं दिख रहा है विवेक। ये निशान देखा, ये टायर का निशान, ऐसा लगता है स्किड हुई है बाइक यहाँ पे। हो सकता है कोई बाइक वाला यहाँ पे स्किड किया हो और यहाँ पे गिरा, हाथ पैर पे खरोच आ गई होगी। हाँ सर, कोई बाइक से गिरेगा तो हाथ पैर की चमड़ी निकल जाएगी सर। लगता है यही हुआ है फ्रेडी, कि कोई बाइक वाला यहाँ गिरा है और उसी का खून नहीं है। ये कोई आम लुटेरों का काम नहीं है, ये कोई ऐसा आदमी है जो बाइक चलाने में एक्सपर्ट है, जिसे वो मैंने फिल्मों में देखा है, वो फाइट वगैरह में लोगों। अरे यार फ्रेडी, फिल्मों की स्टोरी बाद में सुनाना। एक काम करो, यहाँ आसपास फैल जाओ और देखो लोगों से पूछताछ करो कि किसी ने एक ट्रक और तीन चार बाइक वालों को एक साथ देखा है क्या, और ये जो पैसे लूटे हैं वो वाला ट्रक उसके बारे में भी पता करो। अरे सर, यहाँ पे तो उस स्टंट स्कूल से भी ज्यादा खतरनाक स्टंट हो रहे हैं। स्टंट तो खतरनाक ही होता है फ्रेडी, ये स्कूल क्या और वो स्कूल क्या। कैसे ऊपर से कूदा रहा है बाइक को? जिस तरीके से इसने बाइक का स्टंट किया है, ऐसा लगता है ये कोई एक्सपर्ट। हाँ सर, उन लुटेरे में से ही कोई लगता है। एक बार यहाँ के मालिक से बात करें तो पता चलेगा। ये स्टंट स्कूल की मालकिन कहाँ पे है? बोलिए, मैं ही हूँ यहाँ के मालकिन। ये मालकिन है? मुझे लगा था कि ये कोई लड़का है, मगर ये तो। मगर आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हुआ क्या है सर?
हुआ तो बहुत कुछ है पायल जी, लेकिन अभी आपने ये जो जंप का स्टंट किया है वो काबिले तारीफ। थैंक यू। हाँ सर, बहुत अच्छा स्टंट करती है ये, आराम से चलती गाड़ी को लूट लेती होगी, है ना पायलजी? आप होश में तो है ना ऑफिसर, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, ये जो कह रहे हैं वो पूरे होश आवाज में कह रहे हैं। आज और कल दो अलग अलग जगहों पे बैंक की गाड़ियां लूटी गई, और जिन लोगों ने ये काम किया है वो स्टंटमैन, बाइक का स्टंट करते हैं, और बाइक के स्टंट में आप एक्सपर्ट हैं। आपका मतलब है मैंने लूटी है गाड़ियां? देखिए, अब आपके पास कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं जिसमें लिखा है कि आप लूट नहीं सकते। आप सही कह रहे हैं, मेरे पास कोई सबूत नहीं आपको देने के लिए, मगर मैंने नहीं लूटी है बैंक की गाड़ियां। हो सकता है आपने ना लूटी हो, लेकिन आपके यहाँ ये जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, इतने सारे लड़के हैं, हो सकता है इनमें से किसी का काम हो। आप क्या कह रहे हैं, ये लड़के यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, बच्चे हैं, ये कैसे लूट सकते हैं बैंक की गाड़ियां? ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? आप देखिए इनको, आप देखिए ये कैसे लड़खड़ा रहे हैं, ये कैसे लूट सकते हैं? सॉरी आपको, लेकिन आपको कभी भी कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताइएगा। ये मेरा कार्ड है। ये औरत ने तो बहुत तेज कर दी, इससे भरोसा नहीं किया जाता, इस पर नजर रखना होगा। मेरा शक तो अब यकीन में बदलता जा रहा है। ये देखा रेडी, एक काम करो, इस टायर के निशान की फोटो ले लो। ये बताइए कि सुबह आपने आसपास कोई ट्रक देखा क्या और चार लोगों को बाइक से जाते? आप लोग कौन है? देखिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? मोटरसाइकिल तो नहीं देखी थी मैंने, लेकिन हाँ एक ट्रक देखा था मैंने। कैसा था ट्रक? लाल रंग का था। खड़ा कहाँ पे था ये? वो वहाँ पे खड़ा था साहब। अच्छा, ये ट्रक का नंबर याद है आपको? नंबर तो नहीं देखा मैंने, लेकिन हाँ उस ट्रक के साइड में एक पीले रंग का शेर बना हुआ था। पीले रंग का शेर? अच्छा, तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि ट्रक वहाँ खड़ा था? मैं भला क्यों पूछूं कौन क्यों खड़ा है, मुझे लगा कोई चाय पीने आएगा तो मैं पूछ लूंगा। मतलब ट्रक में से कोई नीचे नहीं उतरा? सब ड्राइवर नीचे तो उतरा था, लेकिन वो वही ट्रक के आसपास चक्कर लगा रहा था। हम लोग वहीं जाके देखें, शायद वहीं से कुछ सुराग मिल जाए। ट्रक के टायर का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें पहले मिला। अगर ये वही टायर है इसी ट्रक का, तो फिर मोटरसाइकिल के टायर के निशान भी आसपास होने चाहिए। बाइक के टायर के निशान कहीं पे भी नहीं है। एक काम करो, इन टायर्स के निशान की फोटोज ले लेते हैं, और जो पहले के टायर्स हमें मिले उनसे मिला के देखते हैं। दया, ये जो लूट के जगह से हमें ट्रक के टायर के निशान मिले हैं ना, और वो चाय की दुकान पे जो ट्रक खड़ा था उसके टायर के निशान, दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। इसका मतलब है उन दोनों जगहों पर एक ही ट्रक खड़ा था। ये पायल के स्टंट स्कूल में भी जो ट्रक गया था सर, उस ट्रक के टायर के निशान और ये निशान दोनों मैच हो रहे हैं। इसका मतलब है सर, ये लड़की पायल ये उन लुटेरों के साथ मिली हुई है। इससे पहले कि सर किसी और लूट को अंजाम दे, ये इसे अरेस्ट कर लेना चाहिए। नहीं दे, जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता उसे छेड़ना नहीं चाहिए, इस पर नजर रखनी चाहिए, कड़ी नजर। हाँ, कुछ मिला? चाय वाले ने उस लाल रंग के ट्रक के बारे में बताया था ना? हाँ। वो इस पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज में है। हाँ। ये देखिए, एक मिनट वे, जरा रुको, जरा जूम करना मुझे। सर, इस ट्रक पे पीले रंग के शेर का लोगो भी है सर, मतलब ये वही ट्रक है सर। एक मिनट, जरा नंबर प्लेट पर शिफ्ट करो। MH04BU6430। पता लगाओ ये ट्रक किस कंपनी का है। हाँ डॉक्टर सोदान,
क्या? ओ, लूट के जगह से जो हमें खून मिला है वो उन लाशों में से किसी का भी नहीं है। ओ, अच्छा ठीक है, थैंक यू। इसका एक ही मतलब है कि वो खून उन लुटेरों का है। एक काम करते हैं, सचिन को पायल के स्टंट स्कूल में भेजते हैं। उसे किसी ने देखा नहीं तो उसे कोई पहचानेगा भी नहीं। मैंने आज तक जितने भी स्टंट किए हैं अपनी जान हथेली पर रख कर किए हैं। तुम लोगों की तरह डर डर के नहीं, डर डर के काम नहीं होता। जो डर गया वो मर गया, समझे तुम लोग? आप इन लोग बताइए कि कैसे करना चाहिए, ये लोग कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। मैडम ये स्टंट मैं करूं? कौन हो तुम? मेरा नाम सचिन है और मैं आपके इस स्कूल में स्टंट सीखना चाहता हूँ। अभी तो तुम स्टंट्स करने की बात कर रहे थे, अब सीखना भी चाहते हो? वो क्या है मैडम कि शुरू से मैं छोटे मोटे स्टंट्स करता आया। ठीक है, बट ये स्टंट सीखना इतना आसान नहीं है, दिन रात की मेहनत लगती है। आप जो बोलेंगी मैं वो करूँगा। आप एक बार बोलिए क्या करना, क्या तो करके बताओ। लेकिन स्टंट करने में मजा बहुत आता है। हाँ, थोड़ी देर में छुट्टी हो। एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूँ आपको? छोड़ ना, किया दिखने में तो हट्टे खट्टे लगते हो और ऐसे लंगड़ा के चलते अच्छा नहीं लगता। नहीं, वो ऐसे बस सिखाते वक्त लगते। आप सेंड करेंगे? आई बड़ी हेलो, देखो आप ऐसा नहीं कर सकते। अचानक बोलने के गोले में क्यों जा रही है? देखो ये ठीक नहीं है, प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। कोई ना कोई बात जरूर है इसकी। बात देखो मैं बात नहीं कर सकती, मुझे जाना है। बाय, आप देखो प्लीज बाय। एडमिशन हो गया आपका? हाँ, एडमिशन भी हो गया और मैंने फॉर्म भी भर दिया। ठीक है, जो भी करना अच्छी तरह सच्चाई से करना। श्योर, मैंने कोई बात जरूर तो ये अचानक यहाँ से निकल ली, ऊपर नजर रखनी होगी क्या कर रही है और किधर जा रही है। एक ट्रक हमें भी चाहिए। सिर्फ जरूर मिलेगा, हमारा तो धंधा यही है। बोलिए कहाँ से लेना है और कहाँ तक ले जाना है? माल कहीं ले नहीं जाना है, यहीं का काम है। एक बैंक की गाड़ी है उसे लूटना है। ए भैया चलो निकलो यहाँ से, कहीं और से ले लेना, मैं अभी पुलिस को लगाता हूँ। CID आपकी सेवा में हाजिर है। CID? मैं तो डर ही गया था। आप लोग भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। मजाक तो अब शुरू होगा। तुम लुटेरों की मदद करते हो ना ड्रग देकर? मैं लुटेरों की मदद? ये क्या बात कर रही है मैडम आप? देख मेरा दिमाग घुमा हुआ है, समझा? ज्यादा ड्रामा मत कर, यहाँ बैठ के लुटेरों का गैंग चला रहा है। नहीं सर, एक बार और झूठ बोला ना यहाँ से बाहर लेके जाऊंगा और सबके सामने इज्जत उतार दूंगा तेरी। बैंक का पैसा लूटा है लुटेरों ने, खून किया है और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ मालूम नहीं। MH04BU430 किसका ट्रक है? ये ट्रक तो मेरा ही है सर। कहाँ ये ट्रक? ये ट्रक तो 8 दिन पहले ही चोरी हो गई सर। कैसे चोरी हुआ ट्रक? सर माल खाली करके मेरा ड्राइवर वापस आ रहा था, रास्ते में कुछ लुटेरों ने सर पर वार करके ट्रक को लूट के लेके चले गए। कहाँ ड्राइवर? कहाँ सर? ड्राइवर अपने घर पे। ठीक है, एड्रेस दो उसका। क्या बात, कुछ परेशान दिख रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसी। बोलो ना क्या परेशानी है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सर दरवाजा ना खोलने से आपके पेट के दर्द का क्या लेना देना है? अच्छा अच्छा समझ गया। अरे अरे आप अंदर काम करने जा रहे हो, कौन हो तुम? जाने दो सर, इमरजेंसी, हम लोग CID से हैं।
यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ है, कहाँ है? सीआईडी मेरे घर में, मुझसे कुछ गलती हुई सर? गलती हुई है तभी तो आए हैं हम लोग। ये शमन कंपनी का ट्रक तुम ही चलाते हो ना? हाँ सर, जो ट्रक चोरी हुआ शमन कंपनी का वो मैं ही चला रहा था। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? उन लुटेरों ने मेरी हालत कर दी साहब। मैं माल लेकर आ रहा था तो देखा बाइक की लाइन खड़ी हुई थी और उन लोगों ने रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया था। जैसे मैंने ट्रक रोका फिर वो अंदर घुस आए। तुमने देखा नहीं ध्यान से? नहीं सर, रात का समय था तो कुछ ठीक से दिखाई नहीं पड़ा। जैसे ही अंदर आए किसी ने मेरे सर पे कुछ मारा और मैं बेहोश हो गया, और जब होश में आया तो मैं घर में था। तुमने कुछ देखा नहीं है? अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना, दवाई वगैरह टाइम पे खाते रहना। एक बार बताइए मालिक पगार कितनी देता है तुम्हें? पगार तो 3,000 रुपए सर। 3,000? 3,000 पगार में प्लाज्मा टीवी वगैरह आ जाती है क्या? मेरी कमाई के सुन, हाथ पैर सही सलामत चाहता है ना तो सच सच बता, ट्रक कैसे लूटा, किसने दिए तुझे पैसे? मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे बड़ी गलती हो गई, अब तुम्हारा ऐसी गलती नहीं होगी साहब। उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे बैग भर। अच्छा कौन थे बोलो, किसने दिए पैसे? चेहरा तो नहीं देखा साहब, हेलमेट पहन रखा था, लेकिन हाँ साहब एक के पास पीली बाइक थी। पीली बाइक का नंबर देखा है तुमने? नहीं सर, नंबर तो नहीं देखा। पैसे कहाँ हैं? कुछ बचे हैं कि सारे उड़ा दिए? बैग कहाँ है दिखाओ। ला। देखने से बैग काफी महंगा लगता है सर। लगता हाल फिलहाल में ही खरीदा गया है। ये देखो बार कोड भी लगा है बैग पे, पता चल जाएगा कि ये बैग किस दुकान से खरीदा है। एक बार दुकान मिल गई तो पता चल जाएगा कि किसने खरीदा है ये बैग। ये बैग अपनी कस्टडी में लेना। हेलो सचिन, पीली वाली बाइक का मस्त आइटम भाई, पैसे भी तो लगे हैं। वो तो है मास्टर जी, आप मार्केट में ऐसी बाइक मैंने देखी नहीं। अरे भाई स्पेशल बाइक है, स्पेशल इसे ऑर्डर देके बनवाना पड़ता है। कौन है वो कुछ नसीब जो ये बाइक चलाता है? कौन हो भाई तुम, और तुम सवाल पे सवाल किए जा रहे, कौन हो तुम, किसकी बाइक है किसकी बाइक नहीं है तुम्हें क्या लेना देना? बाइक अच्छी लगी थी इसलिए पूछ लिया, मुझे भी ऐसी बाइक खरीदनी थी। तो भाई जाके खरीदना, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा? शाबाश। ये मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई? मैडम किसी काम से बाहर गई है। तो काम का क्या? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, क्या है कि मैं दिखाई नहीं दी ना इसलिए। दोबारा मत पूछ, मैं तो तेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना। चल फिर ले। शाबाश गुड गुड कम ऑन सर। ये कुछ पेपर से इन पर आपके साइन चाहिए थे। कुछ पता चला बाइक स्कैम के बारे में? नहीं सर, अभी तक नहीं पता चला, शाम तक पता चल जाएगा। जल्दी करो, किसी भी तरीके से स्कैम के बारे में पता करना है। ये यहाँ क्या कर रही है? पीछे मत देखना, पीछे करते करते यहाँ तक आ गई। और कहीं भी साइन करना? नहीं नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है, मैं आपसे शाम को मिलता हूँ। ठीक है सर। अरे भाई जी, आप लगता है आपको बाइकर्स गैंग के बारे में कुछ पता चल गया है, तभी आप यहाँ। मुझे कुछ पता नहीं चला सर, मगर मगर वो सर मैं आपसे बात नहीं कर सकती, मुझे फोन लेना पड़ेगा। अब क्यों लेट अब आए? ऐसी क्या बात हो सकती है? 20 साल से मार्केट में हमारा नाम है, ग्राहक की खुशी में ही हमारी खुशी है। अब 3 दिन पहले एक आदमी 15 बैग लेके गया है सिर्फ। सर वो बैग तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमारे पास है। लगता है ये बैग यहीं से खरीदा गया है। सर
चलो आप कह रहे हैं तो फिर। अरे भाई साहब सुनिए, एक मिनट भाई साहब, जरा इनका हिसाब कर लूं, तब तक आप देख लीजिए आपको क्या चाहिए। जब तक आप इनका हिसाब करेंगे कहीं और भी चोरी हो चुकी होगी, समझे आप? क्या मतलब? मतलब ये हम लोग CID से। CID? भाई साहब आप बाद में आना। बाद में आओ मतलब, पैक तो कर दो यार। अरे प्लीज भाई साहब आप बाद में आना। कमाल करते हो, कौन खरीदेगा तुमसे बैग? Excuse me, जरा आप ये बैग देखिए। ये बैग आप यहाँ से खरीदा गया? हाँ सर, ये बैग हमारे यहीं से खरीदा गया। इस बैग में लुटेरों ने लूट के पैसे भरे थे, देख के बताओ किसने खरीदा था ये बैग। सर 3 दिन पहले एक आदमी ने 15 बैग ऐसे खरीदे थे। 15 बैग? क्या नाम क्या है इस आदमी का? सर नाम क्या, मैं आपको CCTV फुटेज दिखा देता हूँ। ये देखिए सर, ये तो अशीन है। बहुत दिनों से तलाश है हमें इसकी, काफी लूटमार की है इसने। वापस आ गया शहर में, लगता तो ऐसा ही है। उसे इसके घर चल के देखते हैं, शायद मिल जाए। उसे घर से तो हमेशा भागा ही रहता है, फिर भी ट्राई मारते हैं। भागा हुआ अपराधी है सर, घर में टिक के बैठेगा। दरवाजा अंदर से बंद है, क्या मतलब है इसका? इसका तो एक ही मतलब होता है, जब भी दरवाजा बंद होता है हमेशा लाश ही मिलती है। देखें आज क्या मिलता है। गन तैयार रखो, लाश ने गोली चलानी शुरू कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भाई क्यों? लाश भाग रही है सर पीछे के दरवाजे से, मैं अभी पकड़ लेता हूँ उसे। उसे अभी यहाँ नहीं पकड़ना है, पूरी की पूरी गैंग को एक साथ पकड़ना है, समझे? तू तैयार है, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। और सुन, एक 15 मिनट बाद तू भी निकल जाना। किसी दूसरी जगह लूटने का इरादा है। लगता तो ऐसा ही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को शक हो गया शायद। सर कहीं हमारे बारे में तो बात नहीं कर रहा। चल रख, मैं निकलता हूँ। सचिन से फोन करके पूछता हूँ, शायद उस ट्रेनिंग स्कूल से कोई निकला हो। तो समझो कि तुम्हारी आधी ट्रेनिंग हो गई। ये क्या इतना मुश्किल है स्टंट? पहले पहले जरूर ऐसा लगता है, मगर बाद में आसान हो जाएगा। देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि यहाँ ट्रेनिंग में फोन लेकर मत आया करो। I'm really sorry. मुझे लगता है शायद भाई का फोन है, जरूरी काम होगा। ठीक है, मगर मुझे आगे से ये नहीं चाहिए। सर क्या एक और लूट होने वाली है? कहाँ पे? हो सकता है अभी अभी एक पीली बाइक में और उसके पीछे पीछे एक रेड बाइक में एक आदमी निकला है। पायल तो सर ये सर अभी तो यहीं पे थी पायल। सर वो तो यहाँ पे सामने खड़े होकर फोन पे बात कर रही है किसी से। और सर वो बाइक की तरफ जा रहा है सर। हाँ ये भी बता दूंगा, पहले आप ये बताइए कि आप जा कहाँ रही थी। तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले? अपनी हद में रहो। पायल जी मैं अपनी हद में ही। CID? जी हाँ CID। तुमने मुझसे झूठ बोला? पायल जी हमें आप पे शक था और शक को यकीन में बदलने के लिए झूठ बोलना पड़ा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे शक करो? शक तो यकीन में बदल चुका है पायल जी, अब ये बताइए कि कहाँ लूट मार होने जा रही है। ऑफिसर होश में आओ, मैं कहीं लूटने नहीं जा रही हूँ, मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ। आपको भी जरूरी काम आ गया? लूटने के अलावा और क्या जरूरी काम है आपको? देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं अपनी डैडी को मिलने जा रही हूँ, उन्हें एक जरूरी काम था मुझसे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये लीजिए, आप मेरा फोन चेक करिए, देखिए। इसका मतलब एक असीन और दो आपके इंस्ट्रक्टर्स, ये चौथा कौन है? मेरे इंस्ट्रक्टर्स इसमें शामिल नहीं हो सकते। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आइए हमारे साथ। बार बार घड़ी देख रहा है,
लगता है कोई नया प्लान बना है बैंक की वैन लूटने का। सब कुछ पहले से ही देख के रखा है इन लोगों ने। ट्रक भी आ गया। हाँ तब भी आ गया। यही ट्रक है वो सामने आके खड़ी होगी। तीन बाइक का स्वांग है, ये चौथा कहाँ है? चौथा भी आ जाएगा सर। ये चौथा भी आ गया, लगता है यही इनका लीडर है। बाइक ट्रक्स के अंदर है, इसीलिए लोगों को पता नहीं चला कि बाइक आई कहां से। देखेंगे कैसे, सब तो ट्रक के अंदर। चलिए सर, उस ट्रक का पीछा करते हैं। नहीं, बिल्कुल पीछा नहीं करेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। जाएंगे कहां? पैसे को हाथ नहीं लगाना। अबे एक तो तू मदद नहीं कर रहा है, ऊपर से बोल रहा पैसे को हाथ मत लगाना। अबे तू पागल हो गया क्या? मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर, इस पैसे को हाथ मत लगा। अरे तू है कौन? अब समझा? गोली चला दूंगा मैं। वही घोड़े जा। क्या चला? वही रुक जा तू। मैं गोली चला दूंगा। गोली चलाएगा? मैं गोली चला दूंगा। चला गोली। चल चल। ये मोटे मोटे आंसू गिराना बंद करो और बताओ क्यों किया तुमने ये सब?
साहब रोजी रोटी के लिए कर रहा था साहब, अपना और अपने परिवार वालों के पेट के लिए करना पड़ता है साहब। लूट की कमाई से रोटी खाएगा है? इतना बड़ा पेट हो गया है तुम्हारा कि स्टंट स्कूल की कमाई से नहीं भरता? साहब स्टंट स्कूल चल ही कहाँ रहा है साहब, वो तो स्पाइल की वजह से बंद होने ही वाला था। स्पाइल की वजह से? हाँ साहब। वो कैसे? हमारे स्कूल के सारे स्टूडेंट इसके स्कूल में जा रहे हैं एक एक करके। लोग कहते हैं कि अच्छा सिखाती है, मुझसे अच्छा सिखाती है, मेरी स्टूडेंट थी है साहब, और आज अपना स्टंट स्कूल खोल के मेरा सत्यानाश कर दिया साहब। तो पायल को बदनाम करने के लिए तुमने इसके स्कूल के लोगों को पटाया चोरी का काम करने के लिए? हाँ सर, मैंने सोचा अगर कोई पकड़ा भी गया तो इसके स्टंट स्कूल की बदनामी होगी और फिर इसका स्कूल बंद हो जाएगा, मेरा स्कूल अच्छा चलने लगेगा सर, बस इसके लिए किया था। लेकिन ये सब उल्टा तुम्हारे ही गले में पड़ गया है ना? सब लाचार होने की वजह से कोई काम भी तो नहीं दे रहा था साहब, क्या करूं मैं? और आचिन, तुम्हारा क्या? मैं लालच में पड़ गया था साहब, माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। छह छह खून किए तुम लोगों ने, छह छह खून। अब फांसी का ऑर्डर आने तक सलाखों के पीछे जेल की रोटी खाना, जेल की ले जाओ इन्हें। पायल, बड़ी हिम्मत वाली लड़की हो तुम। थैंक यू सर। वो क्या, मैं परेशान क्यों, बता। सर मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। मदद कैसी? सर कुछ होने वाला है जिसे रोकना बहुत जरूरी है। क्या क्या होने वाला है? सर बहुत लोगों की जान खतरे में है। बहुत लोगों की जान खतरे में है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।